घर में भगवान का अगर वास हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। और उसी प्रक्रिया और उसी प्रथा को लेकर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए इस सिंगापुर सिटी को स्वर्ग बनाने के लिए आज यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। नमस्कार, मैं हूँ अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के सिंगापुर सिटी के पास मौजूद हैं, जहाँ पर पूरी प्रक्रिया के साथ जोर शोर से उत्साह के साथ प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो आयोजित हुआ है। और भारी संख्या में जो यहाँ पर सिंगापुर सिटी में रहने वाले जो लोग हैं सभी यहाँ के रहवासी हैं, और जितने भी लोग हैं महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी इस प्राण प्रतिष्ठा में पुरजोर से शामिल हुए हैं। आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि एक प्रक्रिया के तहत और पुजारी जो है लगातार उस पर मंत्र कर रहे हैं और एक प्रोसेस के द्वारा पूरा प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो कंप्लीट किया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर सिंगापुर सिटी के जो रहवासी हैं वो पहुँचे हुए हैं। देखिए, सिंगापुर सिटी के सभी लोगों ने मिल करके एक बहुत ही सुंदर प्राण प्रतिष्ठा आज मंदिर का कृष्ण जी, राधा जी, सपरिवार हनुमान जी और शिव परिवार यहाँ विराजे हैं और बहुत ही उत्साह का माहौल है। पूरा सिंगापुर सिटी के लोगों की बहुत दिनों से दिलों से इच्छा थी, जब भगवान की इच्छा हुई इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, मेरे ख्याल से रायपुर पश्चिम का सबसे सुंदर मंदिर अगर कहीं देखने में अगर आएगा तो सिंगापुर सिटी में आएगा। तो सभी सिंगापुर सिटी के जो लोगों की इच्छा थी दिल से और उसकी इच्छा भगवान ने पूरी की और सभी लोगों ने मिल करके एक बहुत ही सुंदर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तीन दिन से लोग हर घर से पूरे लोग आकर के पूरे इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। सभी सिंगापुर सिटी के निवासियों को सिंगानिया बिल्डकॉन परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निश्चित है कि ये उत्साह का मौसम है और उत्साह बना हुआ है, सभी बहुत खुश हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर के जो रहवासी हैं काफ़ी पुराने हैं और बहुत पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए मेहनत की और आज कहीं ना कहीं कॉलोनी में इस मंदिर में स्थापना हुआ तो कैसे उसको देखते हैं। हमारे बहुत दिन का सपना साकार होने जा रहा है। सिंगापुर सिटी वासियों के मन में बहुत दिन से एक श्रद्धा भक्ति था कि कहाँ कब ये मंदिर बनेगा, लेकिन आज वो खुशी का दिन, इतना खुशी लग रहा है सभी सिंगापुर वासियों को कि मैं शब्द में नहीं बोल सकता, सभी खुशी से झूम रहे हैं और आज यहाँ पर हमारे मंदिर प्रतिष्ठा हो रहा है तो इससे खुशी और क्या हो सकती है। हमारे मंदिर जैसे अनिवार्य है एक सोसाइटी में, लेकिन बड़े दुख की बात थी बहुत दिनों से यहाँ मंदिर नहीं था, आज वही सभी का सपना साकार होने जा रहा है और सिंगापुर सिटी में आज खुशी का माहौल है। यहाँ पे सिंगापुर सिटी में इतना बड़ा मंदिर बना है, उसकी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि इतना बड़ा मंदिर बन जाएगा, ऐसा भव्य और सुंदर मंदिर बन जाएगा। हम लोग में बहुत उत्साह है, ये सोसाइटी जो है इसमें एक ही कमी थी, पूरे रायपुर में इसका नाम था बट ये था कि मंदिर की एक कमी थी जो सबके सहयोग से पूरी हो गई और आज हम लोग में बहुत उत्साह है कि ये मंदिर आ गया है और हम लोग पूजा हर त्यौहार इसमें मनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि सोसाइटी में मंदिर बन गया, पहले मंदिर था नहीं तो क्या सोसाइटी के बाहर जाना पड़ता दर्शन के लिए, अब क्या सोसाइटी में ही है तो अब एक और सोसाइटी का लुक भी बहुत इनहेंस हो गया इसके। इसीलिए सभी सदस्य जो इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ तक पहुँचे हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और भगवान श्री से निवेदन करता हूं कि सभी परिवारों को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। और निश्चित है कि ये उत्साह का मौसम है और उत्साह बना हुआ है, सभी बहुत खुश हैं और इसके लिए हम यहाँ पर के जो रहवासी हैं काफ़ी पुराने हैं और बहुत पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए मेहनत की और आज कहीं ना कहीं कॉलोनी में इस मंदिर में स्थापना हुआ तो कैसे उसको देखते हैं। हमारे बहुत दिन का सपना साकार होने जा रहा है। सिंगापुर सिटी वासियों के मन में बहुत दिन से एक श्रद्धा भक्ति था कि कहाँ कब ये मंदिर बनेगा, लेकिन आज वो खुशी का दिन, इतना खुशी लग रहा है सभी सिंगापुर वासियों को कि मैं शब्द में नहीं बोल सकता, सभी खुशी से झूम रहे हैं और आज यहाँ पर हमारे मंदिर प्रतिष्ठा हो रहा है
तो इससे खुशी और क्या हो सकती है। हमारा मंदिर जैसे अनिवार्य है एक सोसाइटी में, लेकिन बड़े दुख की बात थी बहुत दिनों से यहाँ मंदिर नहीं था, आज वही सभी का सपना साकार होने जा रहा है और सिंगापुर सिटी में आज खुशी का माहौल है, खुशी को सब झूम रहे हैं और इससे हम और क्या कहें। तो आप देख पा रहे हैं कि मंदिर बनने से जो लोगों में जो ऊर्जा है वो बढ़ते नज़र आ रहा है, सभी बहुत खुश हैं और पूजा पाठ को लेकर जो ज़्यादातर हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत उनका लगाव होता है कि दिन भर वो पूजा करें और भगवान से जुड़े रहें, भगवान का आशीर्वाद उनके और उनके पूरे परिवार पर बना रहे। आज सिंगापुर सिटी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, मंदिर में स्थापना हो रहा है और सभी जो लोग हैं यहाँ पर पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।